अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फेवरेट रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध वाली सेवइयाँ। इसके लिए हमें एक कप चीनी ली है और एक ही कप भुनी सेवई लेंगे। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसको हम बारीक काट लेंगे। और आधा लीटर दूध चाहिए, इसमें हमें घी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम पैन लेंगे और सेवई को भूनेंगे। इसको सेवइयों को तोड़ देंगे थोड़ा सा। ये भुनी सेवई है, थोड़ी देर इसको हम रोस्ट करेंगे। मध्यम आंच पे करेंगे, बीच के मीडियम आंच रखेंगे। सिवई में भुनने की खुशबू आने लगी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूध गर्म करने के लिए रखेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। एक कप हमने चीनी ली थी, छोटा कप चाय का कप, आधा किलो, आधा लीटर दूध में एक छोटा कप चाय का चाहिए। सिवई ज़्यादा लेंगे तो सिवई चीनी बनेगी। और थोड़ी सी हमने ये पिसी इलायची पाउडर आधे चम्मच से भी कम खुशबू के लिए डाला। अब इसको दूध को हम चीनी गलने तक उबाल लेंगे और इसमें हमने ये जो ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं ये सारे इसमें डाल देंगे एक उबाल आने तक। ये देखिए हमने एक ही कप सेवई ली है जो भुनी हुई थी, तोड़कर हमने भर ली है। जितना हमने इससे थोड़ी सी कम, क्योंकि सेवई हल्की है, चीनी हमने थोड़ा सा कम ही लिया था। ज़्यादा सेवई नहीं डालना है, नहीं सेवई हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब दूध में उबाल आ गया, हम चेक करेंगे चीनी अगर गल गई है तो हम सेवई डालेंगे उसमें। देखिए चीनी बिल्कुल गल गई है, देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम सेवई डालेंगे। और सिवई डालने के बाद इसको हम ढक्कन से नहीं ढकेंगे, इस पर हम ये जाली रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए, हमारी सिवई तैयार है। अब इसको हम बाउल में निकालेंगे। ये देखिए ये दूध की सिवई तैयार है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। एक बार ज़रूर बनाइए। और इसी तरह अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें दोस्तों के साथ।